Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And today we are going to discuss a new theory under behaviorism, that is Hull's theory of learning. We have already discussed Thorndike's theory of learning, Pavlov's theory of learning, and Skinner's theory of learning. And today it is the turn of Clark Hull's theory of learning, which is also called as drive reduction theory or drive reduction theory of motivation as well. And the lecture will be in bilingual mode as always and must useful for various teaching examinations, as various questions have been asked from learning and learning theories. And do subscribe my channel if you like the content, and tap to the bell notification also. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लार्क हल, जिनकी थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, हल की लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है. तो कई नाम से जाना जाता है, आपको सारे नाम भी पता होने चाहिए. और ये हम उसी क्रम में पढ़ रहे हैं बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी, फिर हमने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी, फिर हमने स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी, जिसमें से स्किनर को समझाने के लिए मैंने तीन बार आपसे डिस्कस किया, एक बार सोली बी एफ स्किनर, फिर उनका कंसेप्ट जो कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट, तब ऑपरेंट कंडीशनिंग, और आज हल की थ्योरी का टर्न आया है. ओके, तो हल की जो थ्योरी है उसको डिडक्टिव बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, अभी हम आगे जानेंगे. ओके, और जानते हैं कि हल साहब ने अपनी थ्योरी को कैसे बताया, क्या बताया उन्होंने, लर्निंग कैसे होती है, और चूंकि ये भी बिहेवियरिस्ट हैं तो ये कैसे देखते हैं लर्निंग को. तो हल वॉज वन ऑफ द फर्स्ट थियोरिस्ट्स टू अटेम्प्ट टू क्रिएट अ ग्रैंड थियोरी डिजाइंड टू एक्सप्लेन ऑल बिहेवियर, मतलब सभी प्रकार के व्यवहारों को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने एक बड़ी वृहद विस्तृत थियोरी बनाई, जिसका कि नाम हल्स थियोरी ऑफ लर्निंग के बाद नाम से जानी जाती है. ही स्टार्टेड डेवलपिंग हिज थियोरी फ्रॉम अ नंबर ऑफ अदर थिंकर्स इंक्लूडिंग चार्ल्स डार्विन, इवान पावलोव, वॉटसन एंड थॉर्नडाइक. मतलब ये भी साइकोलॉजी की तरफ क्यों आकृष्ट हुए, इन्होंने बहुत सारे लेखकों के जब विचार पढ़े, जिसमें से कि चार्ल्स डार्विन साहब थे, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने पढ़ी, वॉटसन साहब जिनको बिहेवियरिज्म का जनक माना जाता है, और थॉर्नडाइक के बारे में जब उनका कनेक्शनिज्म इन्होंने पढ़ा, उसके बाद इन्होंने अपनी थियोरी बनाई है. हल बेस्ड हिज थियोरी ऑन द कांसेप्ट ऑफ होमियोस्टेसिस. अब ये होमियोस्टेसिस का कांसेप्ट क्या है, ये होमियोस्टेसिस का कांसेप्ट हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, कि वो होमियोस्टेसिस की अवस्था में रहना चाहता है, मतलब संतुलन की अवस्था में रहना चाहता है. जैसे ही कोई चीज, कोई बात उस संतुलन को बिगाड़ती है, तो जीव किस दिशा में काम करता है, उस दिशा में काम करता है कि वो पुनः उस संतुलन को पा ले. तो यही है होम्योस्टेसिस, द आइडिया दैट द बॉडी एक्टिवली वर्क्स टू मेंटेन अ सर्टेन स्टेट ऑफ बैलेंस और इक्विलिब्रियम, यानी कि जो शरीर है वो निश्चित रूप से क्रियाशील रहता है किस दिशा में, ताकि ये जो बैलेंस है, ये जो साम्य है, ये जो संतुलन है, वो बना रहे. इन हिज थियोरी हल यूज द टर्म ड्राइव टू रिफर टू द स्टेट्स ऑफ टेंशन और अराउजल कॉज्ड बाय फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ ड्राइव क्रिएट्स एन अनप्लीजेंट स्टेट, अ टेंशन दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. मतलब सबकी थ्योरी का एक एक की वर्ड है, जैसे कि स्किनर साहब का रीइंफोर्समेंट है, जिसको कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, इनका ड्राइव है. किसको कह रहे हैं ये ड्राइव? ड्राइव कह रहे हैं वो दशा है जो कि कोई टेंशन क्रिएट हो गया है, कोई ऐसी चीज अराउज हो गई है, राइज हो गई है, जो कि फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड से संबद्ध है. तो क्या होगा जब टेंशन अराइज होगा, तो क्या होगा, जो मनुष्य है, जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो होम्योस्टेसिस की अवस्था में रहना चाहता है, वो बैलेंस की अवस्था में रहना चाहता है, तो वो उस दिशा में काम करेगा कि वो जो नीड है वो खत्म हो जाए, सबसाइड हो जाए, वो जो अनप्लीजेंट स्टेट है वो हट जाए. तो यही जो ड्राइव है, ये मोटिवेट करती है ऑर्गेनिज्म को लर्निंग के लिए, ये बता रहे हैं. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्टेट ऑफ टेंशन, है ना, वो जो टेंशन अराइज हो गई है उसको कम करने के लिए क्या होगा, ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीक आउट वेज टू फुलफिल दीज बायोलॉजिकल नीड्स. जो मनुष्य है, चूंकि ये भी बिहेवियरिस्ट हैं, इसलिए इनके भी, इन्होंने भी एनिमल और ह्यूमन की को लगभग एक ही लेवल पर रखा है लर्निंग के. तो ये कह रहे हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीक आउट वेज टू फुलफिल These biological needs, मतलब मनुष्य भी और जीव भी वो रास्ता खोजते हैं जिससे कि वो उस biological need को fulfill कर सकें जिसने कि वो tension ला दिया है.
ओके okay, और जिसको ये ड्राइव का नाम दे रहे हैं। तो हल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग है क्या? क्लार्क हल प्रपोज्ड अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, एक नया तरीका उन्होंने सुझाया कि हम समझ सकते हैं कि व्यवहार क्या है, और हिज थ्योरी इज नोन एज डिडक्टिव बिहेवियरिज्म। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इनकी थ्योरी को डिडक्टिव बिहेवियरिज्म के नाम से भी जानते हैं। फॉर हल द स्ट्रेंथ ऑफ हैबिट वॉज द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट, इनके लिए जो मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है वो ड्राइव है और क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ हैबिट, वो जो आदत है उसकी शक्ति, मतलब कितना वो कनेक्शन जो है वो पावरफुल है। He believe that practice reinforced habits, है ना, चूंकि थॉर्नडाइक से भी प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, और थॉर्नडाइक साहब लॉ ऑफ यूज और डिसयूज की बात कर चुके हैं, तो इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रैक्टिस है वो हैबिट को रीइंफोर्स करती है। हल डिस्क्राइब्ड हैबिट्स एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, और हल जो है वो हैबिट को डिस्क्राइब कैसे कह रहे हैं, ये कह रही है कुछ और नहीं है बल्कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन है, SR कनेक्शन है, और बेस्ड किस पे है, रिवॉर्ड पे, यानी कि ये भी रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। मोर और लेस बातें वही है, थोड़ा सा और आगे इन्होंने टिपिकल और कॉम्प्लेक्स कर दिया अपनी थ्योरी को, ये हम देखते हैं। चूंकि बिहेवियरिस्ट हैं इसलिए ये रीइंफोर्समेंट की भी बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस की भी बात कर रहे हैं, ये SR कनेक्शन की भी बात कर रहे हैं। फिर क्लार्क हल प्रपोज नई बात क्या कर रहे हैं, ये हमको जानना है। क्लार्क हल प्रपोज्ड अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरिज्म दैट स्टेम्ड फ्रॉम द लॉजिकल पॉजिटिविज्म दैट प्रिवेल्ड इन हिज टाइम। ये हमको ध्यान देना चाहिए हमेशा कि जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेटर ने अपनी कोई थ्योरी लाई है, तो उस वक्त जो परिप्रेक्ष्य चल रहा था वो क्या था, तो वो थ्योरी भी हमेशा उसी से प्रभावित होती है। जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी तो उस वक्त लॉजिकल पॉजिटिविज्म का दौर था। लॉजिकल पॉजिटिविज्म मतलब हर चीज जो है वो इंपिरिकली वेरीफाई होनी चाहिए, लॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड पर बल था। हिज थ्योरी ऑफ डिडक्टिव बिहेवियरिज्म प्रपोजेज हैबिट एज अ सेंट्रल कंसेप्ट, मतलब इनकी जो डिडक्टिव बिहेवियरिज्म की थ्योरी है वो हैबिट को एक सेंट्रल कंसेप्ट के रूप में देखती है। और हल प्रेजेंटेड हिज लर्निंग थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोट लर्निंग, यानी 1940 में पहली बार ये अपनी थ्योरी को जब पब्लिश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या दे रहे हैं, मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोट लर्निंग। क्यों? क्योंकि लॉजिकल पॉजिटिविज्म का जमाना था और उससे प्रभावित इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है। हल डेवलप्ड दीज आइडियाज इन प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, 1949 में ये बुक लिख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और उसी में अपने विचारों को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। बिहेवियर इज लर्न एंड कंडीशन इफ एंड ओनली इफ अ पर्सन सेटिस्फाइज अ प्राइमरी ड्राइव, ये कह रहे हैं कि व्यवहार तभी सीखा जा सकता है या कंडीशनड होता है या कंडीशनिंग होती है उसकी, जब व्यक्ति जो है वो अपनी प्राइमरी ड्राइव को सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि ड्राइव से क्या हो रहा है, टेंशन अराउज हो रहा है, और ऑर्गेनिज्म का क्या काम है, टेंशन को रिड्यूस करना। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस या इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहना चाहता है, या वो उसकी बेसिक टेंडेंसी होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट। हल कैसे बता रहे हैं कंडीशनिंग को, रीइंफोर्समेंट को? हल इज कंसिडर्ड अ न्यू बिहेवियरिस्ट थिंकर, मतलब ये बाद में आया ना, तो ये नव व्यवहारवादी कहलाए, तो कुछ तो इन्होंने चेंज बताया होगा। क्या चेंज बताया? बट लाइक द अदर मेजर बिहेवियरिस्ट ही बिलीव, लेकिन अन्य व्यवहारवादियों की तरह ये भी क्या विश्वास करते थे कि ह्यूमन बिहेवियर कुड बी एक्सप्लेन बाय कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। इतना तो इनको मानना ही था, क्यों? क्योंकि ये व्यवहारवादी हैं थे, तो इन्होंने क्या माना कि जो हमारा व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार है, वो कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, और द रिडक्शन ऑफ द ड्राइव एक्ट्स एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर दैट बिहेवियर। और जो ड्राइव है उसमें जब कमी आती है, जब वो जो टेंशन अराउज करता है उसमें जब कमी की तरफ ऑर्गेनिज्म प्रयास करता है, तो वही उसके व्यवहार का पुनर्वलन है। ओके, फिर ये क्या कह रहे हैं, हल्स लर्निंग थ्योरी फोकसेस मेनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ओके, गॉट इट, क्योंकि ये भी पुनर्वलन के सिद्धांत पर काम करेगा। लेकिन और क्या ये नया बता रहे हैं, व्हेन एन SR रिलेशनशिप इज फॉलोड बाय अ रिडक्शन ऑफ द नीड, द प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस दैट द फ्यूचर सिमिलर सिचुएशंस सेम स्टिमुलस विल क्रिएट द सेम प्रायर रिस्पॉन्स। यहां तक तो वही बात है, यहां तक कोई नई बात नहीं है कि जब रीइंफोर्समेंट मिलता है, जब रिवॉर्ड मिलता है, तो स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स का कनेक्शन स्ट्रेंथन हो जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है है कि वो लर्नड हो जाएगा या कंडीशनड हो जाएगा। लेकिन अब आई नई चीज, हल इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इनके पहले किसी ने भी इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात नहीं की थी बिहेवियरिज्म में। ये कांसेप्ट लाए कि इंटरवीनिंग वेरिएबल भी हो सकता है बिटवीन S एंड R, यानी कि सिंपल S और R का कनेक्शन नहीं है, बल्कि S और R के बीच में इंटरवीनिंग वेरिएबल भी काम करता है। क्या है ये? द लिंक बिटवीन SR रिलेशनशिप्स कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, दैट माइट इफेक्ट हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स, जो ये प्रभाव डालता है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे क्या क्या हो सकते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल, लर्निंग हो सकती है,
फटीग हो सकता है, डिजीज, इंजरी, मोटिवेशन एक्सेट्रा, कुछ भी। मतलब अगर आप एक स्थिति में फटीग में है, दूसरी में नहीं है, कभी आप बीमार हैं कभी नहीं है, कभी कोई चोट लगी है कभी नहीं लगी है, कभी आप अभी प्रेरित हैं कभी नहीं है, कभी आप वो चीज पहले से सीख चुके हैं या नहीं सीखे, इन सब मामलों में एस आर कनेक्शन जो है वो डिफर करेगा। ही लेबल्ड दिस रिलेशनशिप एज ई अ रिएक्शन पोटेंशियल, और इसको इन्होंने एक रिएक्शन पोटेंशियल ई का नाम दिया। चूंकि लॉजिकल पॉजिटिविज्म से प्रभावित है, इसलिए इन्होंने बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया है, अभी आप आगे देखेंगे। कितने प्रकार के वेरिएबल इन्होंने बताया, सिर्फ इंटरवीनिंग नहीं बताया, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवीनिंग। क्यों? क्योंकि पूरा ये साइंस बताना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या है, पूरा साइंटिफिक साइंस है। तो ये तीन तरीके के वेरिएबल जो मेनली बात किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, उन तीनों की बात की है इन्होंने। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो विच आर स्टिमुलाई इवेंट्स सिस्टमेटिकली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, यानी कि वो वेरिएबल, वो स्टिमुलस जिसको कि जो प्रयोग करता है वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट हो गए क्योंकि स्वतंत्र हो गए। इंटरवीनिंग क्या है, thought to be taking place within the organism but directly observable. Intervening जो है वो organism के अंदर होते हैं, taking place within the organism but directly observable, पर आप उसको observe कर सकते हैं कि चोट लगी है, motivated है कि नहीं, थका हुआ है, कोई रोग है कि नहीं, ये सारे। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, विच आर सम एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर दैट इज मेजर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर इन ऑर्डर टू डिटरमिन वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैड एनी इफेक्ट, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम प्रभाव देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या प्रभाव पड़ा। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, जो स्वतंत्र है, जिस पर कि एक्सपेरिमेंटर अपना रिजल्ट मैनिपुलेशन कर रहा है, तो मैनिपुलेशन कर रहा है तो उसका इफेक्ट कहीं तो आएगा ना, तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड को आप सुन लीजिए, फिर से आप समझ जाएंगे क्या चीज है। ये है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि इन्होंने डिराइव किया। मतलब यू कैन इमेजिन कि साइकोलॉजी में भी इन्होंने मैथमेटिक्स लगाकर कहा है कि ये फॉर्मूले के तहत लर्निंग होती है। हल्स गोल वॉज टू डेवलप अ थियरी ऑफ लर्निंग दैट कुड बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली टू क्रिएट अ फॉर्मूला टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड बिहेवियर। इन्होंने इस तरह की थियरी बनाने की कोशिश की जो मैथमेटिकली बता सके कि कितनी लर्निंग हुई, बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा। इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म हल्स थियरी स्टेट्स दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ ड्राइव मल्टीप्लाइड बाई हैबिट। ये फॉर्मूला तो बहुत क्लिष्ट है, लेकिन अगर आप एक लाइन में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है क्या, ड्राइव और हैबिट का फंक्शन है, यानी कि ड्राइव को हैबिट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको बिहेवियर मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं कि कितना मैथमेटिकल इन्होंने इसको कर दिया। ये और भी बहुत क्लिष्ट है, अगर आप याद कर सकें तो फॉर्मूला क्या है, एस ई आर इज इक्वल टू एस एच आर इंटू डी इंटू के इंटू वी माइनस ब्रैकेट में एस आई आर प्लस आई आर और प्लस माइनस एस ओ आर। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी कि ER क्या है। देखिए, the probability and speed with which a behavior occurs to a given stimuli, जिसको reaction potential कहते हैं। HR क्या है, habit strength है। D क्या है, drive है। K क्या है, incentive motivation है। V क्या है, stimulus dynamism है। IR क्या है, inhibitory strength। और IR number, SIR inhibitory strength, IR number of trainings या reactive inhibition, और OR रैंडम एरर, मतलब बाद में हम प्लस माइनस कर देंगे रैंडम एरर को। तो इस तरीके का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेराइव करने की कोशिश की हल साहब ने कि लर्निंग किस तरीके की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद ये फॉर्म, कितने एफर्ट, कितने एक्सपेरिमेंटल, कितने ट्रायल एंड एरर के बाद ये फॉर्मूला निकल कर आया होगा। वो बात दूसरी है कि अब ये फॉर्मूला मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिंपलिस्टिक टर्म में उन्होंने बताया कि बिहेवियर जो है वो ड्राइव और हैबिट का फंक्शन है। आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जानना चाहते तो ये फॉर्मूला है, अगर आप इसको याद कर सकते हैं सारे इसकी टर्मिनोलॉजी के संग, वेल एंड गुड। प्रिंसिपल्स क्या है, कौन से सिद्धांत हैं हल की लर्निंग के, वो कह रहे हैं कि ड्राइव इज एसेंशियल इन ऑर्डर फॉर रिस्पॉन्सेज टू अकर। सबसे खास बात ड्राइव, हर जगह ड्राइव, इसीलिए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहा गया है कि लर्निंग हो क्यों रही है, ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट फॉरमोस्ट चीज क्या जरूरी है सीखने के लिए या रिस्पॉन्स के लिए, ड्राइव। फिर स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज मस्ट बी डिटेक्टेड बाई दी ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर फॉर कंडीशनिंग टू अकर। ड्राइव तो जरूरी है ही, फिर क्या जरूरी है, स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज मस्ट बी डिटेक्टेड बाई दी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीव है वो डिटेक्ट कर पाए कौन से एसआर कनेक्शंस हैं जहां कंडीशनिंग होनी है। फिर द रेस्पॉन्स मस्ट बी मेड इन ऑर्डर फॉर कंडीशनिंग टू अकर। कंडीशनिंग ओनली अकर्स इफ द रीइंफोर्समेंट सेटिस्फाइज अ नीड, यानी कि रिस्पॉन्स जरूर देना पड़ेगा तभी कंडीशनिंग होगी, तभी एसआर बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा, और रीइंफोर्समेंट अगर मिलेगा तो वो स्ट्रेंथन होता जाएगा। The drive reduction here is a reinforcer. तो यहां पर reinforcer की भूमिका में है क्या, drive reduction, drive हुई
कोई नीड अराइज हुई, टेंशन अराइज हुआ, तो ऑर्गेनिज्म ने उस टेंशन को, उस नीड को दूर करने की दिशा में काम किया, तो यही क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, स्ट्रेंथनिंग द कनेक्शन बिटवीन द ड्राइव एंड बिहेवियर। तो जो ड्राइव है, जो नीड है और जो हमारा व्यवहार है, उसके बीच में कनेक्शन स्ट्रेंथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है अगर हमको रीइंफोर्सर मिलता है तो। Because of his beliefs that a living organism would repeat behavior that would reduce a drive, his theory was also called a drive reduction theory of motivation. बताया ना मैंने आपको कि drive reduction theory of learning भी कहा जाता है और drive reduction theory of motivation के नाम से भी मशहूर है। इसलिए अक्सर motivation की theories में भी Hull की theory पढ़ाई जाती है। Like other behaviorists, Hull was only interested in overt behavior, yet he did not deny the existence of cognitive factors like ideas, prior knowledge, intelligence, insight and values. वो कह रहे हैं कि चूंकि ये भी व्यवहारवादी थे तो ये भी इंटरेस्टेड किसमें, ओवर्ट बिहेवियर में, वो व्यवहार जो ऊपर से दिखता है, जो बाहर से दिखता है, जो प्रेक्षणीय है, जो ऑब्जर्वेबल है। लेकिन आप समझ सकते हैं चूंकि नियो बिहेवियरिस्ट हैं, इसलिए कदम धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी के कॉग्निटिविज्म की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इन्होंने पूरी तरीके से आइडिया, प्रायर नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंसाइट और वैल्यूज को दरकिनार नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसको अपनी थ्योरी में फॉर्मूले में क्यों नहीं स्थान दिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसको हम मैथमेटिकली डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका रोल है, इसको पूरी तरीके से नकारा नहीं है, इसीलिए ये नियो बिहेवियरिस्ट की संज्ञा इनको दी गई और इसीलिए डिडक्टिव बिहेवियरिज्म है। लेकिन चूंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स ये एज इट इज बिहेवियरिज्म के फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कैटेगरी इनकी बिहेवियरिज्म की ही बनती है। ओके फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्या शैक्षिक निहितार्थ होंगे हल की थ्योरी को अगर हम अपनाएं तो। हल एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नीड इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आवश्यकता होनी चाहिए, जब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रेडीनेस से कहीं कहीं ये साम्य स्थापित कर रहा है कि जब छात्र रेडी होगा, जब उसको नीड महसूस होगी तो वो पढ़ेगा अपने आप। एंड अकॉर्डिंगली द नीड्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम। तो हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या निकालें कि हर तरीके के डाइवर्स जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, सबकी नीड को अगर हमने करिकुलम में स्थान दिया तो सबकी नीड अगर फुलफिल हो रही है तो वो करिकुलम उनके लिए फायदेमंद होगा और उसके लिए वो मोटिवेटेड होंगे पढ़ने के लिए। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि कब लर्निंग यानी कि अधिगम कब सार्थक हो सकता है, अर्थपूर्ण हो जाएगा, जब वो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इम्फेसाइज एन एग्जाइटी एज ड्राइव इन ह्यूमन लर्निंग, मतलब चिंता ह्यूमन लर्निंग में ड्राइव का काम करती है। जैसे कि एग्जामिनेशन होता है तो हमको एनग्जाइटी हो जाती है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो वो एक लिटिल बिट एनग्जाइटी जरूरी है। अगर उतनी भी नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होंगे और पढ़ेंगे, बस वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हल सिस्टम ऑफ लर्निंग एडवोकेटेड द फॉलोइंग चेन सीक्वेंस फॉर इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि ये एक उन्होंने चेन बताई, कौन सी चेन, ड्राइव क्यू रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड की। उन्होंने कहा अगर इस चेन को फॉलो करें तो स्टूडेंट जो है वो बढ़िया सीख सकता है। क्या चेन है, पहली तो ड्राइव, सबसे पहली बात कि दिस इज समथिंग दैट इज नीडेड बाय द लर्नर इन ऑर्डर टू बिहेव और रिस्पॉन्ड। सबसे पहले ड्राइव होना जरूरी है, फिर क्या होना जरूरी है, क्यू, मतलब कोई उसको साइन मिले, देयर मस्ट बी समथिंग टू विच द लर्नर मस्ट रिस्पॉन्ड, उसको को हम स्टिमुलस दें, कोई क्यू दें, कोई साइन दें, फिर क्या होगा, तो लर्नर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। द लर्नर मस्ट बी मेड टू रिस्पॉन्ड इन ऑर्डर टू लर्न सब्जेक्ट। अगर हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं उसके बावजूद अगर चाइल्ड जो है वो स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो लर्निंग नहीं होगी। रिस्पॉन्स जरूरी है, फिर वो रिस्पॉन्स बार बार दे उसके लिए क्या जरूरी है, उसको रिवॉर्ड मिले, उसको रीइंफोर्समेंट मिले। द लर्नर्स रिस्पॉन्स मस्ट बी रीइंफोर्स्ड और रिवॉर्डेड, दस इनेबलिंग देम टू लर्न व्हाट ही वांट्स टू लर्न। तो वो जो उसने किया है रिस्पॉन्स, अगर हम उसको सिखाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम उसको रिवॉर्ड दें, उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें। तो ये तो अगर हम इस सीक्वेंस से चलेंगे कि पहले ड्राइव उत्पन्न हो, फिर हम उसको स्टिमुलस दें, फिर बच्चा रिस्पॉन्ड करे, फिर हम उसको रिवॉर्ड दें, तो लर्निंग हो जाएगी इन अकॉर्डिंग टू हर। लेकिन क्रिटिसिज्म भी है बाकी थेरीज की तरह इनका भी, क्या है, बिकॉज ऑफ हिज एम्फेसिस ऑन क्वांटिफाइंग हिज वेरिएबल्स इन सच अ नैरोली डिफाइंड वे, हिज थियरी लैक्स जनरलाइजेबिलिटी। चूंकि इन्होंने वेरिएबल्स को इतना क्वांटिफाई, इतना गणितीय रूप उसको दे दिया, इतना सकरा बना दिया कि उसकी सामान्यीकरण की क्षमता खत्म हो जाती है। However, his emphasis on rigorous experimental techniques and scientific methods did have an important influence on the field of psychology. लेकिन कहीं ना कहीं उसने ये तो साबित कर ही दिया कि psychology जो है वो pure science की तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, experimental method सबसे बढ़िया method है। फिर one of the biggest problems with Hull's drive reduction theory is that it does not account for how secondary reinforcers reduce drives. देखिए primary drive की तो उन्होंने बात की, लेकिन जो सेकेंडरी रीइंफोर्सर है वो कैसे ड्राइव रिड्यूस करता है उसकी बात इन्होंने नहीं की। फिर
Another major criticism of the drive reduction theory of learning is that it does not explain why people engage in behaviors that do not reduce drives. भाई ये कह रहे हैं ना कि ड्राइव होगी, टेंशन होगी, उसको कम करने की दिशा में प्रयास होगा और लर्निंग होगी. लेकिन कई बार बिना ड्राइव मतलब कोई टेंशन नहीं है तभी हम सीखते हैं. जरूरी थोड़ी है टेंशन होगा और ड्राइव होगा उसको रिड्यूस करना होगा तभी हम सीखेंगे. तो कहा जा रहा है कि वो तरीके की लर्निंग जो है उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं बताया. फिर वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी होता है, व्हाई वुड पीपल सीक एक्टिविटीज दैट डू नथिंग टू फुलफिल बायोलॉजिकल नीड्स एंड दैट एक्चुअली प्लेस देम इन कंसिडरेबल डेंजर. जैसे स्काई डाइविंग करते हैं लोग या बंजी जंपिंग करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वो बल्कि बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल ना करके और टेंशन क्रिएट कर लें. तो इस तरीके की लर्निंग क्यों होती है, इस तरीके का स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन क्यों होता है, इसके लिए हल ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि ड्राइव इज मस्ट फॉर लर्निंग. इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि बिना ड्राइव के भी सीखा जा सकता है. तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर सच बिहेवियर्स. इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके के अधिगम के लिए हल ने कोई बात नहीं की है. कंक्लूड कैसे करें इनको? Hull system of learning is acclaimed and remembered for putting forward a most systematic scientific and mathematical theory of learning. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से और एक गणितीय हमको सिद्धांत दिया अधिगम का. इसके अलावा Hull was able to popularize a very innovative and objective behavioristic approach to learning which was more effective in comparison to the approach of his predecessor. इनके पूर्ववत जो behaviorist आए उनसे ज्यादा innovative और objective तरीका इन्होंने खोजा. फिर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हल्स थ्योरी लाइज इन इट्स एम्फेसिस ऑन लिंकिंग लर्निंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. ये तो इन्होंने ढूंढ के हमको बता ही दिया ना कि विद्यार्थी की आवश्यकता के हिसाब से आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी. ये सबसे बड़ी खोज रही, सबसे बड़ा योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में. और ही सेज दैट इट इज द नीड ड्राइव और ड्राइव स्टिमुलाई दैट एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट और लर्न और बिहेव. उन्होंने कहा कि नीड जरूरी है, ड्राइव जरूरी है, ड्राइव स्टिमुलाई जरूरी है ताकि व्यक्ति जो है वो सीख सके. Therefore, he advocated the need-based goals of education. हम क्या कह सकते हैं? आवश्यकता आधारित जो इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बनाया वो इन्होंने ही बनाया. Including need-based curricula, methods of teaching, whereas need start the process of learning. यानी कि आवश्यकता ही है जो process शुरू कर रही है. किसका? अधिगम का. Reinforcement and incentives act as catalytic agents. मतलब उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं reinforcer और incentives. Or, therefore, in any education process, we must involve sufficient possibilities of proper motivation and reinforcement incentives. यानी कि drive और need तो जरूरी है ही है, लेकिन हमको motivation और reinforcement incentives का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए learning process में, तो जो learning होगी वो बेहतर होगी. ठीक है? So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. Today I have completed a very important theory of Clark's Hull's theory of learning. Okay? So done from my side.